हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज शर्मा, टीम बॉटनी, सीएलसी सीकर। सीएलसी का एक यूनिक प्रोग्राम गुरुनीति, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे गो थ्रू होते हुए आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। गुरुनीति 9 अभी तक आप बॉटनी में सॉल्व कर चुके हो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10वीं गुरुनीति, जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेटा बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये आपसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में आपके क्या कर रहा है, बात कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जैसा कि जो बेटा आप जानते हो, आपके किस पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे आपके क्या करता है, काम करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके क्या है, डीएनए का आपके क्या है, एक ऐसा सेगमेंट होता है जिस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या है, बेस पेयर सीक्वेंस जो है वो आपके क्या रहता है, सिमिलर रहता है। यानी कि यहां डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे जो आपके क्या है, बेस सीक्वेंस है, वो आपके क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इस पे भी आपके क्या है, स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट। इस रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही आपके क्या लगाता है, कट लगाता है। अगर अपन देखना चाहें तो इनमें से ऑप्शन पे जाएं तो प्रोटीएज नहीं होगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। डीएनएज डीएनए का डाइजेशन करेगा, नहीं होगा। आरएनएज आरएनए का डाइजेशन करेगा, नहीं होगा। हिंड सेकंड आपके क्या है, सही आंसर है। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आपके क्या है, एंजाइम है। तो यहां आंसर बेटा आपके जाएगा कौन सा, 4। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक, जो कि आपके क्या है, ट्रांसजेनिक काऊ थी कौन सी, रोजी, उससे आपके क्या है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस आपके क्या है प्रोडक्ट था, किसके लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए, देन नेचुरली काऊ मिल्क बिकॉज इट कंटेंट। भाई आपके क्या है, अपन एक ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका नाम था रोजी, उससे अपन ने जो मिल्क लेते थे उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन था जो कि नॉर्मल काऊ के मिल्क से ज्यादा आपके हेल्दी था। गाय के लिए मोर बैलेंस डाइट थी आपके, किसके लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए। वो आपके कौन सा न्यूट्रिएंट था इसमें, तो ये आपके क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। क्या पाया जाता था इसमें, ह्यूमन लैक्ट एल्बुमिन, जो कि मोर बैलेंस डाइट थी आपके, किसके लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए। तो यहां आंसर बेटा आपके जाएगा क्या, 4। नेक्स्ट अपन कहें क्या, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दिए गए आपके क्या है, मैच है, इनमें से आपको करेक्ट मैच को देखना है। न्यूक्लिएज सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को आपके सेपरेट करने का काम आपके किसका होता है, हेलिकेज का, ना कि आपके किसका, न्यूक्लिएज का। एक्सोन्यूक्लिएज मेक द कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए, ये डीएनए के आपके अंदर नहीं, बाहर से आपके क्या लगाता है, कट लगाता है। तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लाइगेजेज ये ज्वाइंट द टू डीएनए मॉलिक्यूल, तो सही है, लाइगेज जो है वो आपके किसको, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपके ज्वाइंट करने का आपके क्या करता है, काम करता है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, ना फ्रेगमेंट्स में आपके डीएनए को पॉलीमरेज नहीं तोड़ता, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन का काम करता है, जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की आपके क्या बनाता है, कॉपीज बनाता है। तो यहां आंसर बेटा आपके कौन सा होगा, 3। नेक्स्ट अपन चले बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, नीचे आपको क्या है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको ये बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नॉन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो आपके डीएनए की एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये आपके क्या है, सही है। फिर आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर द पैलिंड्रोमिक साइट, इज द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर द पैलिंड्रोमिक साइट। भाई आपके क्या है, अगर अपन बात करें, अगर ये बिल्कुल सेंटर में से काटता है, अगर बीच में से काटता है, तब तो इसको आप कहते हो कैसे एंड आते हैं, बोलो, ब्लंट एंड। और अगर सेंटर से थोड़ा सा हटके काटता है तो आपके एंड आते हैं कौन से, स्टिकी, और आपके क्या है, स्टेगर्ड एंड। ठीक है, तो आपके क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होते हैं
वो डीएनए को सेंटर से थोड़ा सा हटके आपके क्या करते हैं, काटते हैं, किस पे? पैलिंड्रोमिक साइट पे। तो ये भी आंसर आपके क्या है, सही है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी आपके क्या है, सही है। तो यहां आप क्या कहोगे, बूथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आपके सेकंड आर आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बेटा आपके क्या हैं, करेक्ट है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, फोर। फिर आपके दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज आर, यानी कि रीजन। फिर आप कहोगे देखो, वहन ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी एंड्स आर आपके क्या है, फॉर्म्ड। भाई आपके क्या कह रहा है, जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को काटता है, तो आप अभी अपनी बात हुई थी, स्टिकी और स्टेगर्ड एंड आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आप क्या कहोगे देखो, अगर आपके क्या है पैलिंड्रोमिक साइट पे, अगर आपके क्या है जो भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काट रहे हैं, सही बात है, अगर ये बिल्कुल सेंटर में से काटता है तो आपके कौन से ब्लंट एंड आते हैं, और अगर ये सेंटर से थोड़ा सा हटके काटता है तो आपके क्या है, ब्लंट, सेंटर से ब्लंट एंड आ गए, थोड़ा सा हटके काटेगा तो स्टिकी और आपके कैसे एंड आएंगे, स्टेगर्ड एंड आएंगे। तो ये कह रहा है वहन ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पैलिंड्रोमिक साइट, तो सही है, सेंटर से थोड़ा हटके काट रहा है तभी आपके क्या है स्टिकी और क्या आ रहे हैं, स्टेगर्ड एंड आ रहे हैं। तो यहां ए और आर आपके क्या है, सही है, और ए आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके काय का, ए का। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर जो है वो बेटा आपके क्या चला जाएगा, थर्ड। वापस समझ रहे हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोमिक साइट पे आपके क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अभी बिल्कुल सेंटर में से काटते हैं तो एंड आते हैं ब्लंट और नॉन स्टिकी, और अगर ये सेंटर से थोड़ा सा हटके काटते हैं तो आपके एंड आते हैं स्टिकी और आपके कैसे आएंगे, स्टेगर्ड, ठीक है। तो यहां आंसर जो है वो आपके कैसा चला जाएगा, थर्ड। ये आपके काय की बात कर रहा है, स्टिकी एंड की बात कर रहा है, तो ये स्टिकी एंड कब आएंगे, जब ये सेंटर से थोड़ा सा हटके पैलिंड्रोमिक साइट पे क्या करेगा बेटा, काम करेगा। तो आंसर चला जाएगा थर्ड। फिर है आपके, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो आपके स्मॉल फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, स्मॉल फ्रेगमेंट जो होता है उसके लिए बेटा आपके काम करता है कौन, प्लाज्मिड। उसके लिए आपके काम करता है कौन, प्लाज्मिड। इधर आपके बीएसी और वाईएसी आपके क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम आते हैं, इधर आपके कॉस्मिड भी नहीं जाएगा। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, प्लाज्मिड, यानी कि आपके थर्ड। फिर है आपके, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अपन वेक्टर जो यूज लेते हैं वो आपके बेटा कौन सा होता है, बताओ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अभी बात की अपन ने, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है यहां क्या लिए गए थे, काम में लिए गए थे। एचजीपी में आपको क्या है, बिल्कुल एकदम क्लियरली दे रखा है कि अपन ने ह्यूमन में आपके क्या है, ह्यूमन जीनोम के लिए आपके क्या है, जो भी वेक्टर का काम करता है वो आपके कौन है, बीएसी और वाईएसी, किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फिर है द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन टू इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, भाई आप क्या कहोगे, उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है। आपके ये जो आपके क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, इसमें ओराई साइट पे आपके इंटीग्रेटेड किया जाता है किसको, डिजायर्ड जीन को। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर। क्या बोलोगे, वेक्टर। क्या बोलोगे, वेक्टर। फिर आप कहोगे, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट सेल इज नॉन एच, देखो कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ है, इसको अपन किसकी हेल्प से आपके आइडेंटिफाइड करते हैं, तो उनको अपन कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये आपके हुआ करते थे ना, ध्यान है, एएमपीआर और आपके क्या था,
टेट्रासाइक्लिन के लिए आपके क्या है रेजिस्टेंट जीन, तो इसको अपन कहते थे क्या सेलेक्टेबल मार्कर जीन, तो इनको आप क्या कह दोगे बेटा सेलेक्टेबल मार्कर जीन, आंसर आपके आ जाएगा कौन सा फोर्थ। नेक्स्ट अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ए ह्यूमन लिम्फोसाइट। देखो ह्यूमन लिम्फोसाइट है, ह्यूमन लिम्फोसाइट्स जो है इनको आपके यूज कहां किया था अपने जीन थेरेपी में, कहां किया था बेटा जीन थेरेपी में, और यहां जीन थेरेपी में आपने ट्रीट किया था काय को SCID को, किसको SCID सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहां आपने SCID को आपके क्या किया था ट्रीट किया था, और SCID को ट्रीट किया था तो यहां आपने काय की फॉर्म में वेक्टर की फॉर्म में बेटा आपके यूज लिया था किसको रेट्रोवायरस को, तो यहां जो यूज लेंगे अपन किसको लेंगे बेटा रेट्रोवायरस, कौन यूज आएगा रेट्रोवायरस, तो आंसर यहां आपके जाएगा क्या फोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ करते हैं, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्या आते हैं बेटा क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन बात करते हैं देखो मैच ऑफ द ऑर्गेनिज विच इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, यहां आपको इन दोनों को क्या करवाना है मैच करवाना है। देखो सबसे पहले अपन बात करें बेसिलस थुरिजियंसिस जो है इसमें आपके क्या होता है क्राई प्रोटीन होता है, ये क्राई प्रोटीन जो है वो आपके किससे क्राई जीन से क्या होता है प्रोड्यूस होता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं जो कि आपके इंसेक्ट की मिडगट में जाके एल्केलाइन पीएच पर आपके क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहां जो भी आपके मिडगट है उसमें आपके क्या है लोकल स्वेलिंग और सेल लाइसिस लाते हैं जिससे आपके क्या है पोर फॉर्मेशन हो जाता है किसमें जो भी आपके क्या है गट है, जिसके कारण आपके क्या है इंसेक्ट के लार्वा की क्या होती है डेथ होती है, तो यहां बेसिलस थुरिजियंसिस में क्या जाएगा क्राई प्रोटीन। थर्मस एक्वाटिकस, इससे आपके बेटा टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या किया जाता है आइसोलेट किया जाता है, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज यहां आपके कौन सा आ जाएगा थर्ड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये आपके क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से आपके कौन सा टीआई प्लाज्मिड लेते हैं जो आपके क्या है क्लोनिंग वेक्टर, और साल्मोनेला आपके क्या है टाइफ्यूरियम जो है इससे कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल, तो आपके क्या आ जाएगा सेकेंड। 4, 3, 1, 2 कहां है बेटा 4, 3, 1 और 2, तो यहां आंसर जो होगा वो आपके कौन सा जाएगा फोर, यहां वापस आंसर बेटा कौन सा जाएगा फोर। फिर अपन गए द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट, तो इको आर फर्स्ट के लिए आपके कौन सा होता है GAA TTC, कौन सा होता है GAA TT और C, ऐसा कहां है देखो बेटा GAA TTC, तो ये आपके क्या है इक्वार्फल्स जो है उसके लिए आपके पैलेंड्रोमिक क्या हो जाएगी साइट हो जाएगी कौन सी GAA TTC, कहां कट लगाता है ये जी और ए के बीच में, और ये आपके सेंटर से थोड़ा सा हटके कट लगा रहा है तो स्टिकी और कैसे एंड आएंगे स्टेगर्ड एंड। नेक्स्ट अपन बात करें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा द प्लाज्मिड PBR322 हैज PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विथ इन जीन AMPR, यानी कि आपके क्या है यहां आपके क्या है AMPR के लिए जो भी रेस्टेंस है इस पे आपके PST के लिए आपके क्या है PST आपके क्या लगाएगा कट लगाएगा। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा ग्लेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिडेज इंसर्टेड इन द इकोलाई स्ट्रैंड, तो आपके क्या कह रहा है देखो प्लाज्मिड PBR हैज PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन ए जीन MPR, भाई MPR के जो जीन है उस पे PST फर्स्ट के लिए आपके क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट है कन्फर्ट्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इफ एंजाइम PST एंजाइम आप यूज कर रहे हो फॉर इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा ग्लेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, अब यहां बीटा ग्लेक्टोसाइडेज के जीन को यहां एंटर करवाने के लिए इस PST फर्स्ट का आप क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो, इट मींस यहां से एम्पिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस का सेगमेंट था ये आपके यहां से क्या हो गया चला गया, तो यहां एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस बेटा आपके क्या हो गई है खत्म हो गई है।
बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड एन इकोलाइज स्ट्रैंड। अब समझी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, यहां एम्पिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस थी उस पे आपकी रेस्ट्रिक्शन साइड थी किसके लिए, पीएसटी फर्स्ट के लिए। अब पीएसटी फर्स्ट का आपने यूज करते हुए इस एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन को यहां से हटा दिया और इसकी जगह बेटा आपने इंसर्ट करवा दिया किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एनकोडिंग जीन को। अब होगा क्या, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का तो प्रोडक्शन होगा लेकिन एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस आपके क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ऐसा आपके कोई भी आपके क्या है, ऑप्शन है क्या, इट विल नॉट टू बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल। देखो अपन सारे ऑप्शंस देखते हैं, द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन, ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन आपके बाहर निकल चुका है। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस ए नोवेल प्रोटीन विद ड्यूल एबिलिटी, ना ऐसा कुछ नहीं है। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, होस्ट सेल में एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जो है वो आपके क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों, पीएसटी फर्स्ट से आपने कट लगाया काहे के, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की जीन को क्या करवाने के लिए, इंसर्ट करवाने के लिए। तो यहां आंसर जो जाएगा वो बेटा कौन सा होगा, फोर, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर। फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का आपके क्या है, कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन बिल्कुल होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट, ना रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो आपकी केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, एक, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई साइट आपके क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा जाएगा, थर्ड, ठीक है। फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल, आप क्या कह रहे हो, निम्न में से पादप कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रविष्ट कराने के लिए कौन सी विधि साधारणतया उपयोग में नहीं ली जाती है, डिसहार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स यूज लिए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज यहां कभी भी यूज नहीं आता। क्यों, बैक्टीरियोफेज आपके काय में, बैक्टीरिया में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, वायरस होता है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड आपके क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीन गन मेथड जो है इसका भी आप यूज करते हो। तो यहां कौन सा नहीं आएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात करें वॉट इज द क्रिटेरियन ऑफ फोर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके क्या होते हैं, यहां अपन पॉजिटिव जो है वो आपके क्या होती है, एनोड होती है, ठीक है, और नेगेटिव जो है वो आपके क्या है, कैथोड है। यहां आपके डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है वो फास्टली आपके मूव करते हैं, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है वो आपके किसके, पॉजिटिव एनोड के ज्यादा पास में होते हैं, और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपके कहां होते हैं, दूर होते हैं। तो यहां यही दिया हुआ है, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स, तो आप क्या कहोगे, देखो अपेक्षाकृत छोटे अमाप का खंड अपेक्षाकृत कहां तक जाता है, दूर तक, जिनका आपके साइज जो है वो छोटा है वो एनोड के पास होगा, यानी कि कहां तक पहुंचेगा, दूर तक पहुंचेगा। इसके बाद फिर अपन आंसर बेटा इसका आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फर्दर एंड, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, ना नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स आपके मूव करता है, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव, ना लार्जर आपके क्या है साइज का जो है वो आपके किससे, एनोड से आपके कहां होगा, बहुत दूर होगा, यानी कि अपन यहां से मूवमेंट को स्टार्ट करें तो सबसे दूर तक आपके कौन जाएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट जो है वो आपके फर्दर आपके क्या करेगा, मूव करेगा। इसके अलावा कैथोड के पास रह जाएगा आपके कौन, लार्ज फ्रेगमेंट, जनरली कैथोड को अपन लेते नहीं है, क्यों, कैथोड यहां आपके कैसी होती है, नेगेटिव, तो एनोड के पास सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट आपके होंगे, तो ये बहुत दूर तक आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहां आंसर जो होगा वो आपके कौन सा है, फर्स्ट, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन द एगरोस जेल
कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टैनिंग वेव। भाई आपके क्या कहते हो, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है इस पे आप क्या डालते हो बताओ, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या डालते हो, इथीडियम ब्रोमाइड। और इथीडियम ब्रोमाइड डाल के ये आपके किसकी फॉर्म में, ब्राइट ऑरेंज कलर की, ब्राइट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स जो हैं उसकी फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां आप क्या कह दोगे, क्या डालते हो बेटा, इथीडियम ब्रोमाइड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां, थर्ड। फिर आप कहोगे इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो किसकी हेल्प से, आपके क्या है, सबसे पहले यहां अपन डालते हैं क्या, अभी बात हुई है क्या, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड और इथीडियम ब्रोमाइड पे ऊपर आप क्या डालते हो फिर उसके बाद, यूवी रेज। क्या डालते हो, यूवी रेज, जिससे ये दिखता है आपके कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। कैसा दिखाई देता है, ब्राइट ऑरेंज। तो आपके इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। भाई आपके क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड डालोगे किसमें, आपके यूवी रेडिएशन में। फिर आप कहोगे क्या वही बात अभी जो की है, डीएनए स्टैंड ऑन ए जेल स्टेन्ड विद द इथीडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर द यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज। तो आप जैसे ही इस पे आपने क्या डाला था, इथीडियम ब्रोमाइड डाला था, इथीडियम ब्रोमाइड आपने डाला है और इसके ऊपर से आपने क्या डाली है, यूवी रेज। क्या डाली है, यूवी रेज। तो ये आपके किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर की आपके किसमें, स्ट्रिप्स में, ब्राइट ऑरेंज कलर की आपके काय में, स्ट्रिप्स में। तो आपकी ब्राइट ऑरेंज कलर की आपके क्या दिखाई देंगे, बैंड। कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। फिर आप कहोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में पूछ रहा है कि क्या ट्रू नहीं है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड। अभी अपन बात करते आए, बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टांस गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। नहीं, ये क्रोमोजेनिक सबस्टांस की प्रेजेंस में अपन जो भी आपके क्या है ब्लू कलर की जो कॉलोनी आती है वो आपके काय में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एनकोडिंग जीन से अपन काय की जो भी आपके क्या है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का अपन क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं वहां इसको काम में लेते हैं, ना कि आपके किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ यूवी लाइट। सही है, डीएनए फ्रेगमेंट्स पे जब इथीडियम ब्रोमाइड डाल के अपन क्या डालते हैं, यूवी रेडिएशंस डालते हैं, तो आपके क्या है ये ब्राइट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। यहां से आपके क्या है, जेल से आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपके क्या करना, निकालना आपके क्या कहलाता है, इल्यूशन। तो ये भी बेटा आपके क्या है, सही है। तो चौथा जो है वो भी आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां आंसर जो आएगा वो आपके कौन सा चला जाएगा बेटा, दो। फिर आप कहोगे क्या, रेफर्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको क्या है, इन स्टेटमेंट्स को देखना है और इनमें से कौन कौन से सही है उसके बारे में आपको बताना है। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, एगारोस इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेंड फ्रॉम द सीवीड्स। बिल्कुल सही है, रेड एल्गी जो है उससे इसको अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही है, जो स्मॉल साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं और एनोड के पास होते हैं, जबकि लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं वो इतना मूव नहीं करते। ये भी सही है बेटा। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सही है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से कहां, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको अपन कहते हैं एनोड, उसकी तरफ आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये भी सही है। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ना, ये आपके क्या है, गलत है। तो यहां सही हो गए ए बी और सी। तो ए बी और सी आपके करेक्ट किसमें है, फोर्थ में। ठीक है, तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा, आपके फोर्थ।
फिर है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय द टेक्निक ऑफ नॉन एच। भाई आप क्या कह रहे हो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो अभी इतना पढ़ते आ रहे हैं अपन, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट करते हैं। सेपरेशन आप कर रहे हो किसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स का, तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहोगे इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आप कहोगे टैग डीएनए पॉलीमराइज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये आपके काय में पॉलीमराइजेशन में बेटा आपके क्या आता है, काम में आता है। और टैग डीएनए पॉलीमराइज जो है ये आप कहां से लेते हो बोलो, थर्मस एक्वाटिकस से। और ये आपके क्या है, थर्मोस्टेबल आपके क्या होता है, एंजाइम होता है, जो आपके किस पे 72 डिग्री सेल्सियस तक आपके क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये थर्मोस्टेबल आपके क्या है, एंजाइम है। तो आपके कौन सा आंसर हो जाएगा यहां, फोर, कौन सा जाएगा, फोर। द करेक्ट ऑर्डर और स्टेप्स इन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में आपके सबसे पहले आपके क्या होता है, डीनेचुरेशन, फिर एनलिंग होगी, फिर आपके क्या होगा, एक्सटेंशन। सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स को अपन अलग करते हैं, फिर प्राइमर को अपन इसमें एंटर करवाते हैं, फिर टैग डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू आपके क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। तो डीनेचुरेशन, एनलिंग और आपके क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। कौन सा आंसर आएगा बेटा, सेकेंड, तो कौन सा आंसर चला जाएगा यहां, सेकेंड। फिर आप कहोगे विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ए पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में वही अभी पढ़ा है आपने, डीनेचुरेशन होगा, एनलिंग होगी, फिर आपके क्या है, एक्सटेंशन। तो कौन सा आ जाएगा बेटा, फोर। फिर अपन बात करें तो आपके क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो है इसका उनमें से आपके कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। इससे आप क्या करवा सकते हो, देखो जीन एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल जीन की आपके क्या बनाते हैं अपन, कॉपीज बनाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स ना, प्यूरिफिकेशन जो अपन करते हैं आइसोलेटिंग प्रोटीन्स का, वो अपन करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू, तो यहां सेकेंड नहीं होगा। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन बिल्कुल करते हो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल करते हो, तो यहां आपके क्या नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये अपन करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू। फिर आप कहोगे क्या, गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। देखो आप, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज यूज्ड इन द डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल पीसीआर से अपन क्या है, डीएनए का क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो राइट है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू चैन टू आपकी चेक ट्रांसफॉर्मेंट, चाहे एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस हो, चाहे आपके काय के टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो, रेजिस्टेंस हो, दोनों का ही यूज अपन एज ए सेलेक्टेबल मार्कर करते हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन में, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की आपके काय में, आइडेंटिफिकेशन में। तो बेटू ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, आर का और ए का कोई लेना देना नहीं है, इट मींस आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां आप क्या कह दोगे, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आपके क्या है, असर्शन और रीजन दोनों आपके क्या हैं, ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, असर्शन का। तो यहां आंसर जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा बेटा, फर्स्ट। फिर आप कहोगे डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, भाई आपके क्या है, जो भी आपकी सॉल्यूशन है इसमें अपन क्या डालते हैं जिससे कि आपके क्या है, डीएनए जो है वो आपके क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो यहां डाला करते हो बेटा आप क्या, चिल्ड इथेनॉल, क्या डालते हो, चिल्ड इथेनॉल, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो अपन क्या डालते हैं यहां, चिल्ड इथेनॉल। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर अपन कहें ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन टू चिल्ड इथेनॉल पार्टिसिपेट्स आउट, किसके लिए अपन क्या है, चिल्ड इथेनॉल जो आप यूज कर रहे हो वो किसको आपके क्या है, आपके अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कर रहे हो, तो किसके लिए, डीएनए के लिए। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट।
फिर अपन बात करें द एंजाइम एज नीड फॉर द आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फॉर प्लांट सेल बी एंजाइम फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। तो बेटा सीधी सी बात है, प्लांट सेल जो है इसकी सेल वॉल बनी होती है काय की, सेलुलोज की, तो आपको क्या चाहिए, सेलुलेज। क्या चाहिएगा, सेलुलेज। वैसे ही आपके फंगस की जो सेल है, फंगस की जो सेल है वो आपके बनी होगी काय की, काइटिन की, तो आपको क्या चाहिए, काइटिनेज। क्या चाहिए, काइटिनेज। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, सेलुलेज और क्या है, काइटिनेज। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर आप कहोगे द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक आपकी कौन सी कंपनी थी, एली लिली कंपनी, और एली लिली कंपनी से आपके प्रोड्यूस किया गया था क्या, ह्यूमुलिन, जो आपके क्या था, जेनेटिक इंजीनियर्ड आपके क्या था, ह्यूमन इंसुलिन। क्या था, ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियर्ड आपके क्या था, ह्यूमन इंसुलिन। तो फर्स्ट हार्मोन जो बनाया गया है वो आपके कौन सा है, इंसुलिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देखो 32 में आप क्या कह रहे हो, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। यानी कि आपके साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है उसमें आपके क्या यूज नहीं होता, तो आपके क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें अपन यूज करते हैं, ब्लोटिंग आपके यूज होगा ही होगा यहाँ, ऑटो रेडियोग्राफी ये भी आपके क्या होगी, यूज होगी यहाँ, कहीं भी अपन किसका, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो है इसका आप कहीं भी यूज नहीं करते। तो यहां आपके आंसर जो जाएगा वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, फोर्थ। साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है इसमें पीसीआर का आपके कहीं भी यूज नहीं होता, तो आंसर आपके क्या चला जाएगा बेटा, फोर्थ। ओके हाँ बेटा, देखो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज बाय। तो ये आपके किससे होता है, पीसीआर और आरएपीडी। पीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, और आरएपीडी आपके क्या होगा, रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमरिक पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्या होता है, रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक आपके क्या है, डीएनए। फिर है द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। भाई आपके क्या है, दोनों आपके ए और बी चेन जो है उनको अपन काय से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से अपन क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो यहां आंसर आपके आ जाएगा क्या, डाई सल्फाइड ब्रिजेज। फिर अपन बात करें तो यहां आंसर आपके कौन सा है, थर्ड, डाई सल्फाइड ब्रिजेज। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। देखो अपन कोई भी प्रोटीन जो है इसकी मार्केटिंग करेंगे, इससे पहले इसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, और इसका प्यूरिफिकेशन करना आपके क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आपके आंसर जो है वो आपके कौन सा दे रखा है यहां, फर्स्ट। फिर अपन बात करें इन इंडिया द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक इश्यूज। देखो आपके क्या है, जो भी आपके जेनेटिक इंजीनियर्ड आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको अप्रूवल आपके कौन देती है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आपके कौन देगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कि आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। फिर अपन बात करें यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्रीज एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। देखो आपके कोई भी आपके एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है, उसका आपको एक क्या है, एक स्पेसिफिक राइट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बेटा जी अपन कहते हैं, इस स्पेसिफिक राइट को बेटा जी आप कहते हो क्या, बायो पेटेंट। क्या बोलते हो, बायो पेटेंट। क्या बोलते हो इस राइट को आप, बायो पेटेंट। क्या कह दोगे, बायो पेटेंट। इस बायो पेटेंट हुए प्रोडक्ट को
अगर आप उस ऑथराइज्ड पर्सन या उस ऑथराइज्ड मल्टीनेशनल कंपनी के या उस देश की कंट्री की विदाउट परमिशन के बना रहे हो, तो इसको बेटा जी अपन कहते हैं क्या, बायोपाइरेसी। बायो पेटेंट हुए प्रोडक्ट को विदाउट आपके क्या है परमिशन या चोरी छिपे आपके क्या है बनाना, ये आपके क्या कहलाता है, बायोपाइरेसी, जो कि कानूनन क्या है, अपराध है। तो आपके आंसर जो है इसमें आपके बेटा कौन सा जाएगा, थर्ड। फिर आप कहोगे विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट द जीएम रिसर्चेज एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो अभी बात हुई है जो भी आपके क्या है जीएम रिसर्च है, इनको आपके क्या है वैलिडिटी प्रोवाइड करवाती है कौन, जीईएसी। कौन प्रोवाइड करवाती है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। फिर है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल प्रेजेंट। डीएनए अंगुली छापी की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आप एंजाइम काम में लेते हो, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन काम में लेते हो, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन काम में लेते हो, तो कभी भी जिंक फिंगर एनालिसिस जो है यहां यूज में नहीं आता। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। व्हाट ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन्स ऑफ एक्टिव बीटी टॉक्सिन्स ऑफ बेसिलस थुरीजियंसिस इन बॉलवर्म। देखो जो आपके क्या है बेसिलस थुरीजियंसिस है, इसमें आपके क्या होता है, क्राइजीन। क्या होता है, क्राइजीन। यहां से इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल बनते हैं, क्या बनेंगे, इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल, प्रोटीन क्रिस्टल। इसका इंजेक्शन आपके करेगा कौन, इंसेक्ट का लार्वा। कौन करेगा, इंसेक्ट लार्वा। और इस इंसेक्ट लार्वा की आपके मिडगट में जाके, किस में जाके, मिडगट में जाके आपके किस पे, एल्केलाइन पीएच पर आपके क्या हो जाते हैं, एक्टिव। किस पे, एल्केलाइन पीएच पर आपके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और यहां ये लाएंगे लोकल सेल लाइसिस और आपके क्या करेंगे, स्वेलिंग, जिससे आपके इंसेक्ट की जो आपके गट है उसमें क्या हो जाता है, पोर फॉर्मेशन, और इंसेक्ट के लार्वा की आपके क्या हो जाती है, डेथ। तो यहां आपके क्या होगा, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट। क्या आंसर आएगा, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट। हाउ इट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में आप सारा जानते हो कि आपके क्या है, जीएम क्रॉप है। क्या है बेटा, जीएम क्रॉप है। और ये जीएम क्रॉप जो है वो आपके विटामिन ए से आपके क्या है, एनरिच है। विटामिन ए आपके क्या है, एनरिच है। ये जीएम क्रॉप जो है वो विटामिन ए आपके क्या है, एनरिच है। और ये जीन जो है वो आपके क्या है, डेफोडिल आपके क्या है, जीन है। तो ये विटामिन ए से एनरिच आपके क्या है, डेफोडिल जीन वाली आपके क्या है, जीएम क्रॉप। तो ऐसा आंसर जो है वो आपको कौन सा दे रखा है, थर्ड दे रखा है। इट इज ए विटामिन ए एनरिच विथ ए जीन फ्रॉम डेफोडिल। ठीक है, तो आपके आंसर जो जाएगा वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, थर्ड। गोल्डन राइस जो था वो विटामिन ए से आपके क्या था, एनरिच आपके क्या थी, जीएम आपके क्या थी, क्रॉप थी, जिसको आपने क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपके क्या किया था बेटा, फॉर्म किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आप कहोगे द सिक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन ए वेक्टर इज टर्म्ड। भाई आपके क्या है, जो भी आपके क्या है सिक्वेंस है जो कंट्रोल्ड करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर, तो ये आपके कौन करता है बताओ, ओराई साइट। कौन करेगी, ओराई साइट जो है हमेशा कॉपी नंबर को आपके क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो आंसर जो है वो आपके हो जाएगा कौन सा, फोर्थ। बीटी कॉटन वेरीफाई दैट्स वर डेवलप्ड बाय द इंट्रोड्यूस्ड ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस थुरीजियंसिस। बीटी इज रेजिस्टेंट टू, ये बीटी जो होता है बेसिलस थुरीजियंसिस जो होता है वो किसके लिए आपके क्या है रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, थर्ड, इंसेक्ट पेस्ट। फिर अपन बात करें मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां बीटी कॉटन जो है वो आपके किससे आएगा, बेसिलस थुरीजियंसिस से। एडिनोसिन डीएमिनेज ये आपके जीन थेरेपी में काम में लिया गया था, एससीआईडी, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में। तो यहां आपके एडिनोसिन डीएमिनेज डिफेंसी जीन थेरेपी से सही हुई थी।
तो आपके फर्स्ट चला जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो आपके क्या आ जाएगा, सेलुलर डिफेंस, तो आपके कौन सा चला जाएगा, सेकंड। और पीसीआर से अपन डिटेक्शन करते हैं क्या का, एचआईवी का। तो चार तीन, चार एक दो तीन किसमें है, चार एक दो और तीन, तो आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। फिर अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ना हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं, कैसे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपके क्या होता है, लिंक होता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपके क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो यहां पहला ही आपके क्या है, रॉन्ग है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, सही है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, ये भी ठीक है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो ये भी आपके क्या है, सही है। तो दो तीन चार आपके क्या है, सही है। रॉन्ग जो है वो आपके क्या है, वन है। फिर है 46, वहन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन ए इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, इट इज नॉन एज। रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई आपके क्या है, किसी भी आपके क्या है, जो एबनॉर्मल जीन होता है उसको आइसोलेट करके उसकी जगह नॉर्मल जीन डालना आपके क्या कहलाता है बेटा, जीन थेरेपी। क्या कहलाएगा, जीन थेरेपी। तो यहां आंसर आपके आएगा कौन सा, फर्स्ट। इन ए जीन थेरेपी ऑफ ए एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज। भाई आपके क्या है, कंटिन्यूअसली आपको जेनेटिकली आपके इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट सेल बेटा इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, ये बार बार डिस्ट्रॉय होती रहेगी और बार बार अपन को इसको आपके क्या करवाना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल। तो आप क्या कह दोगे, अनुवांशिक इंजीनियर लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है। तो आंसर आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। क्योंकि आपके क्या है, अगर ये अमर होती, इमोर्टल होती, तो बार बार इसको इंसर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर है आपके क्या, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ये आपके स्टेटमेंट, आप ढंग से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखो आपको किसके बारे में बताना है, केवल जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि केवल ह्यूमुलिन के बारे में बात करनी है आपको, नॉर्मल इंसुलिन के बारे में बात नहीं करनी। तो देखो, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बात तो सही है, लेकिन ये किसके लिए है, नेचुरल हार्मोन के लिए, इसीलिए इसको आप नहीं लोगे। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। बिल्कुल सही है, आपके ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन का अलग अलग आपके क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और इनको आपके क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर आप कहोगे क्या, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, तो इसका आपके जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी ए प्रोसीड फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। भाई आपके क्या है, ये भी नेचुरल इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस टू द फॉरेजियन इंसुलिन, ये भी आपके क्या है, नेचुरल इंसुलिन के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में केवल और केवल सही जो है वो आपके क्या है, बी सही है। बाकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन किसके लिए, नेचुरल इंसुलिन के लिए, ना कि जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए। तो इसीलिए आंसर जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा, बी ओनली। फिर आप कहोगे ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपके एक ट्रांसपोजोन जो है वो आपके किसके, जीन साइलेंसिंग, या अपन कहें क्या, आरएनए इंटरफेरेंस आपके क्या है, टेक्नोलॉजी, या आपके क्या है, आरएनए साइलेंसिंग के लिए आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं। निमेटोड आपके रेजिस्टेंट जो भी आपके प्लांट बनाया था वहां आपने क्या की थी, जीन साइलेंसिंग किसके थ्रू, ट्रांसपोजोन्स के थ्रू।
तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। फिर आप कहोगे इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट्स इजीली बाय द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहां आपकी क्या होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए जिसपे आप क्या कह रहे हो 523 523। अपोजिट डायरेक्शन में आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं उस पे अपोजिट डायरेक्शन में आपके सेम बेस पेयर क्या हो, सीक्वेंस हो, जी ए ए टी टी और आपके क्या है सी, जी ए ए टी टी और आपके क्या है सी। तो ऐसा कहां दे रखा है, जी ए ए टी टी सी, फिर आपके क्या है जी ए ए टी टी और सी, तो आपके कौन सा जाएगा बेटा आंसर, फर्स्ट। फिर ये आपसे कह रहा है 51 में लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको क्या करना है, मैच करना है। जीन गन जो है वो आपके गाय को फॉरेन डीएनए जो है उसको इंसर्ट करवाने के क्या आती है, काम में आती है। तो आपके क्या है जीन गन यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन, तो यहां कौन सा जाएगा सेकंड। जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट ऑफ ए फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी जीन, तो यहां आपके क्या जाएगा फर्स्ट। जीन क्लोनिंग टोटल डीएनए टू ऑप्टेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है चार। और जीनोम टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो क्या आ जाएगा तीन, दो एक चार तीन, ये कहां है दो एक चार और तीन, कौन सा आ जाएगा थर्ड। हाँ बेटा आपकी बहुत अच्छी तैयारी रही, सबसे पहले आपने बायोकेम दिया, बायोकेम के बाद में आपने क्या है जो भी आपके क्या है पीवाई क्यू के थ्रू आपने गुरु नीति को आपके क्या किया है सॉल्व किया है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज आपने दिए है, डीसीएम आपने दिए हैं, दंगल आपने दिए हैं, तो अपनी इतनी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन होना ही नहीं है जिसके थ्रू अपन गो थ्रू नहीं हुए हैं। तो आपको बढ़िया से कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से आपके क्या करके आना है पेपर करके आना है, बहुत अच्छा अपना पेपर होगा, जीत के आना है सीएलसीएंस। लास्ट में मैं आपको क्या है ये दो ही लाइनें कहना चाहूंगा कि पर्वत सी हो गई है पीर अब पिघलनी चाहिए, पर्वत सी हो गई है पीर अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पर्दों की तरह हिलने लगी हैं ये दीवारें, पर्दों की तरह हिलने लगी हैं ये दीवारें, पर थी सड़ती है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, पर थी सड़ती है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना है मेरा मकसद नहीं, ये सूरत हर हाल में बदलनी चाहिए, ये सूरत हर हाल में बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी पर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी पर ये आग जलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट आपके नीट एक्सपीरियंस, आप बढ़िया पेपर करके आए, अच्छा पेपर करके आए, जीत के आए सीएलसीएंस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय सीएलसी जय सीएलसी।